रिवाज का मतलब होता है परंपरा, कोई कल्चरल प्रैक्टिस। फैब इंडिया ने अपनी दिवाली कलेक्शन का नाम जश्न रिवाज रखा था। आई नो रिवाज गलत वर्ड है, सही वर्ड है रिवाज, जश्न रिवाज होना चाहिए, बट नो दैट्स नॉट द कॉन्ट्रोवर्सी। कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि जैसे ही फैब इंडिया ने ट्वीट किया अपने कलेक्शन के बारे में, वैसे ही ट्विटर पे हंगामा मच गया। बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह से एक हिंदू धर्म के त्योहार का एब्रहमाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये तक कहा कि जो मॉडल्स हैं एड में उनका हिंदू अटायर नहीं है, और ये भी कहा उन्होंने कि इस तरह से जो ब्रांड्स हैं फैब इंडिया जैसी, उनको इकोनॉमिक कॉस्ट चुकानी चाहिए, यानी इकोनॉमिक नुकसान उनको होना चाहिए इस तरह के मिसएडवेंचर्स करने का। अब सवाल ये है कि वैसे तो फैब इंडिया ने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। बात ये है कि रिवाज लफ्ज को यूज करने के लिए इतना गुस्सा क्यों है? आखिर रिवाज क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? इसीलिए 3 वजह आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि रिवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहली वजह, दिवाली हर कोई मनाता है, अपने अपने तरीके से मनाता है, और जब सब मनाते हैं तो ये भी बात साफ है कि सब लोग एक जबान तो बोलते नहीं है, तो जो जिस जबान में विश कर रहा है दिवाली, भावना और सेंटिमेंट्स तो एक ही है ना। जब हम कहते हैं कि दिवाली का जश्न रस्म और रिवाज है, तो कुछ लोगों को एतराज होता है कि हम क्यों शुभ दीपावली कहना छोड़कर दीपावली मुबारक कहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम उस गंगा जमुनी तहजीब के वारिस हैं जिसमें हमारी जुबान एक है, हमारा खान पान एक है, हमारा पहनावा एक है, हमारा म्यूजिक एक है, हम लोग हमेशा मिलजुल के रहे हैं। ये कहना कि जुबान खालिस हिंदुस्तानी नहीं है या किसी और की जुबान है, तो ये एक बेवकूफाना हरकत है और इसको मतलब कबूल नहीं किया जा सकता। खुद उर्दू के सबसे बड़े स्कॉलर और नाकिद प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी अपने एक इक्तबास में कहते हैं कि उर्दू जुबान में, आम जुबान में बोले जाने वाले अल्फाज या शायरी में इस्तेमाल किए जाने वाले तकरीबन 100 में से 60% अल्फाज जो हैं वो जुबान संस्कृत से आए। ये जो जुबान है जिसमें हम लोग बात करते हैं आपस में, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग, जो हमारी आम बोली है जिसमें मैं भी इस वक्त बोल रहा हूँ, इसको आप हिंदी कह लीजिए, इसको आप उर्दू कह लीजिए, इसको आप हिंदुस्तानी कह लीजिए, बोली वही रहेगी। वो अब जैसे एयरपोर्ट को, मेरा तो ख्याल नहीं है कि कोई हिंदी बोलने वाला उसको विमान पत्तन कहता होगा, सब लोग एयरपोर्ट ही कहते हैं। तो ऐसे कुछ लफ्ज़ हैं जो चाहे किसी भी ज़बान से आए हों, वो हमारी ज़बान बोलचाल की ज़बान का, हमारी मुश्तरका तहजीब का हिस्सा बन गए, जैसे कि रिवाज। और पूरा एक्सप्रेशन यूजुअली इस्तेमाल होता है रस्मों रिवाज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। अब इसमें अगर रस्म हटा के आप रीति कर दीजिए तो रीति रिवाज तो हिंदी बन जाएगा साहब। रस्मों रिवाज है तो उसको आप उर्दू मानते हैं, रीति रिवाज है उसको आप हिंदी कह रहे हैं। बात तो वही है, लफ्ज़ भी बल्कि वही है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन्होंने फैब इंडिया ने रीति रिवाज कहा होता तो कोई हंगामा ना होता, बिकॉज लेट्स फेस इट, the objection is not that you are using a particular language, but that you are using a particular language that is connected to the Muslims who are aliens, and you are using it for a festival which is a Hindu festival and an Indian festival therefore. दोनों बातें सिरे से बेहुदा हैं, बकवास हैं। दूसरी वजह के रिवाज वर्ड पे हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब हमारा रिवाज है, इसीलिए रिवाज रस्म और रिवाज उसी तहजीब का हिस्सा है। देखिए, हिंदुस्तान का जो सिंक्रेटिक कल्चर था जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, वो ही इस मुल्क का यूएसपी था। अब खैर उसका तो जनाजा उठ चुका है। अब इस तरह की बातें करना कि दिवाली के लिए आप ये फला लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये उर्दू का है, ये सिर्फ उस तहजीब के मौत का 40वां मनाने के बराबर है। और ये गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, दक्षिण में कुतुब शाह के ज़माने से एक वहाँ भी इस तरह की साझा विरासत का दस्तूर रहा हुआ है, जिसका आज जिक्र अगर आप करें तो लोग भड़कने लगते हैं। मुझे लगता है हमारी जो ज़ुबान है वो एक है, जो हिंदी हिंदवी है वो दक्षिणी से आती है। क्या हम मीर खुसरो को भुला दें? क्या हम रस खान को भुला दें? क्या हम इन सारी चीज़ों को भुला दें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है? और अगर इनको हम गंवा देते हैं तो फिर हमारी पहचान बची क्या रहे? और तीसरी सबसे बड़ी वजह कि हमको रिवाज वर्ड पे एतराज क्यों नहीं होना चाहिए,
वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उर्दू को किसी समुदाय या किसी मजहब से जोड़ना बहुत बड़ी हिमाकत है, गलती है। वो इसलिए क्योंकि कुरान उर्दू में नहीं उतरा था, अरबिक में उतरा था, तो उस लॉजिक से तो दुनिया के सभी मुसलमानों को अरबी बोलनी चाहिए, पर नहीं बोलते हैं, है ना। रघुपति साहेब, गोरखपुरी, आनंद नारायण मुल्ला, पंडित चकबस्त या और भी ऐसे प्रेमचंद को देखें, नाम है जिन्होंने उर्दू में लिटरेचर में या शायरी में एक बड़ा नाम पैदा किया, और उन नामों को अगर हटा दिया जाए तो एक बड़ी खला पैदा हो जाएगी। पहली बात तो ये कि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, मुसलमान एलियन नहीं है, और हमारे हिंदुस्तानी हैं, और उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू हमारी मुश्तरका तहजीब का हिस्सा है। दूसरी बात यह कि जो ये समझता हो कि दिवाली सिर्फ एक हिंदू त्यौहार है, वो भी उतना ही बड़ा जाहिल है जितना जो वो शख्स जो ये समझता है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है। सो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ बेहूदगी है, नफ़रत फैलाने का एजेंडा है। इस तरह के अल्फाज अगर आप हमारी भाषा में से, बोलचाल की जबान में से निकाल दें तो बचेगा क्या, किस जबान में बात करेंगे हम लोग सब। सो दिस स्ट्राइक्स एट द वेरी रूट ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज, एंड नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो मिलिटेट्स, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, इट मिलिटेट्स अगेंस्ट द फंडामेंटल्स ऑफ आवर सो कॉल्ड सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो यही कहता हूँ कि एक तरफ हाथ में शंकर की है गुलजार नसीम, दूसरे हाथ में चकबस्त की रामायण है। क्या गजब करते हो, मुस्लिम की जुबां कहते हो, अपनी ही सीता को वनवास दिए देते हो। तो जब हम भगवान से किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, तो भगवान के बनाए हुए लोगों को हम किसी भी भाषा में कोई भी त्योहार क्यों विश नहीं कर सकते हैं। हमारा रिवाज तो हमको ये नहीं सिखाता है, हमारा रिवाज हमें ये बताता है कि जबान जो है वो रीजन से निकल के आती है, रिलीजन से नहीं। रिवाज लफ्ज पे और तफसीली बात करेंगे उर्दूनामा के पॉडकास्ट में इस हफ्ते, तो हमको प्लीज जरूर सुनिएगा, और इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द क्विंट और क्विंट हिंदी की वेबसाइट्स।